हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है ये मैं कल रात को ना एक दो यूट्यूबर्स की आपस में बातचीत काइंड ऑफ पॉडकास्ट देख रहा था जो यूके में ही रहते हैं अभी, बट वो पंजाबी वीडियो बनाते हैं। तो उनकी चैट से मुझे ये आइडिया है वीडियो बनाने का, उनकी चैट से भी आया, प्लस मैं खुद भी इसको बनाना चाहता था क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो है सफ़र करते हैं यहाँ पर जब आते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे इंडियन होते हैं या फिर बोलो देसी होते हैं, जो लोग जिनको देसी बोलते हैं यहाँ पे, वो खुद ही अपने ही लोगों का जितना हो सकता है बुरे गंदे तरीके से काटते हैं। वो चाहे आपको रखने से हो जाए या फिर आपको अपना घर दिलवाने में आपका पैसा मारने की कोशिश करे, या फिर बहुत सारे और तरीके हैं जहाँ से आपको बचना चाहिए। और इस वीडियो में मैं उस चीज़ तीन चार चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नो के क्या ऐसी बातें होती हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए जब आप यहाँ पे आते हो, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए उनसे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, अगर चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और यस, अगर कर रखा है ऑलरेडी सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जब हम यूके आते हैं या फिर किसी भी कंट्री में जाते हैं, सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं हमारे, दुश्मन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब आते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये होती है कि अगर आपको अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाए या वैसा कुछ हो जाए जो आपकी पॉसिबली हेल्प कर दें काम ढूंढने में या वैसा कुछ या घर ढूंढने में। पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं घर में। घर में क्या दिक्कत आती है, जब मैं यहाँ पर आया था लास्ट ईयर जून में, तो मैं जब घर ढूंढ रहा था, ऑब्वियसली यहाँ पे एजेंट के थ्रू आपको जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, तो आपको व्यूइंग्स करवाते हैं। जो मैंने 20 से 25 घर देखे थे यहाँ पे, उनमें से 10 से 12 घर थे इंडियन लोगों के, वो भी पंजाबी। तो जब व्यूइंग होती है तो आपकी डिटेल वगैरह पूछते, सब पूछते हैं। तो मुझे लगता था कि भाई मुझे घर मिल जाएगा, बट वहाँ पर दिक्कत क्या आती थी, जब व्यूइंग होती है तो आप सिर्फ इकलौते बंदे नहीं होते हो, बहुत सारे लोग होते हो उसमें, 12, 15, 8, 10, 5, 6 जो भी होंगे। वो जो मैं एजेंट से पूछ रहा था कि घर क्यों नहीं मिला भाई, तो बोलते हैं कि नहीं भाई, बंदे ने दूसरे बंदे को चूज़ कर लिया, उसको उसने बोला कि इसको रेंट पे देंगे। तो वहाँ पे जो रीज़न होते थे उनके रीज़न कुछ नहीं होते थे, दे सेट के उनको लगता है कि आप शायद पैसे टाइम पर नहीं दोगे, मे बी उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो। मैं उस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, ये हो सकता है एक रीज़न। बट वो था पहला रीज़न कि जब अकोमोडेशन में ढूंढ रहा था तब यहाँ पे दिक्कत आई। फाइनली जब आपको कोई देने को राज़ी हो जाता है, उनको पता होता है कि ये लोग फंसे हुए हैं, इनको चाहिए ही चाहिए, उनको पता होता है कि इतने डाल से जा रहे हैं, वो इतने सारे लोगों को देखते आते जाते हैं यहाँ से, तो उनको पता होता है कि ये फंसा हुआ बंदा ही लेगा। तो मान लो अगर नॉर्मल रेट 2 BHK घर का जो है वो यहाँ पे 650-700 है टाउन सेंटर से थोड़ा सा हटके, तो आपको वही घर मान के चलो आप 750-800, 850-1000 भी बोल सकते हैं, वो बड़े आराम से, वो भी बिना बिल्स के। तो बिल्स जब मिलाओगे इसमें, अभी तो बहुत गंदा हाल है यहाँ पे बिल्स का, तो आपका 1000 के आसपास पहुँच जाएगा वो बड़े आराम से महीने का। तो ये तो हुआ अकोमोडेशन में कैसे देसी लोगों को काटते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्री ट्रेनिंग्स की। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने काम धंधे शुरू करे हुए हैं, कोई छोटे मोटे जैसे कॉलिंग का कोई काम शुरू कर रखा है, या फिर उन्होंने कर रखा छोटे मोटे काम जो होते हैं कि अपनी देसी फार्मेसी खोल रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी मेडिसिन जो आती है उनको दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो देसी फार्मेसी के थ्रू अपनी मेडिसिन को ऑर्डर करते हैं, मैनेज करवाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी वाइफ जो कि डिपेंडेंट वीज़ा पे है, मैं स्टूडेंट पे हूँ यहाँ पे, ऑल द स्टडी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है अभी, तो उसके लिए हम जॉब ढूंढ रहे थे, तो उसमें लिखा था कि कोवेंट्री में ही एक देसी फार्मेसी करके है, एक लेडी उसे ऑपरेट करती है, और उसने उसको इनवाइट कर लिया इंटरव्यू वगैरह पे, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही था, टाइमिंग भी सही थी, सब कुछ सही था, फुल टाइम था, मंथली पे आउट मिलेगा वो भी ठीक था, मिनिमम वेज पे होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा ने सोचा। बट एंड में उसने उसको बोला कि आपको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के थ्रू अंडरगो होना पड़ेगा। ट्रेनिंग भी क्या, आपको कॉल करनी है पहले बंदे को जो कस्टमर है उनका,
कि आपने मेडिसिन अभी तक ऑर्डर नहीं करी है, उसको पूछना है कि क्या है क्या नहीं, रीज़न है देन आपको जो NHS है यहाँ पे वहाँ पे कॉल करके पूछने के, ये बंदे का नाम, ये प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ये वो सब कुछ, आपने अभी तक उसकी ये मेडिसिन का आगे तक अप्रूवल क्यों नहीं दिया या प्रिस्क्रिप्शन जो है रिन्यू क्यों नहीं करा है, वो सब डिटेल है। तो बहुत मतलब अच्छी वाला काम। उसने ये बोला कि 2 हफ्ते के बाद और 2 हफ्ते का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग तक ठीक था, सब कुछ ठीक था, काम भी चलो ठीक है मैनेज हो जाता जैसे जैसे करके, थोड़ा बॉदर करने वाला था बट ठीक है वो भी हो जाता है। बट उसके बाद भी उसने क्या बोला कि जो 2 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और 2 हफ्ते के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको कंटिन्यू वर्क से करवाना नहीं करवाना। तो यहाँ पे गेम सारी ये होती है इनकी, आपसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते काम करवा लिया, मे बी उनके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा, मे बी उनका एक जो फॉर्मर एम्प्लॉय होगा वो छुट्टी पे गया हुआ होगा, कुछ भी मे बी रीजंस हो सकते हैं। तो उन रीज़न की वजह से हम 250 हो, मैंने उसको फिर भी वाइफ को बोला कि चलो कोई नहीं 2-4 दिन जाके देख। उसने उससे बात करते करते देखा तो वो बहाने ढूंढ रही थी जो लेडी थी उसमें भी, कि तुम यहाँ पे गलती करो तुम वहाँ पे गलती करो, तो शी वॉज़ बिल्डिंग अप कि जब मैं उससे फाइनली 2 हफ्ते बाद मना करूँगी तो मैं बोलूँगी देख जो मैंने उस दिन ये बोला था, उस दिन ये फीडबैक बोला था। तो इन शॉर्ट वो जो 2 हफ्ते आप काम करोगे वो आपका पैसा और टाइम ख़त्म, और प्लस यहाँ पे आना जाना खुद करना पड़ेगा आपको वो सब कुछ, वो कुछ भी पे नहीं करने को रेडी थी। तो ये हो गया दूसरा इंस्टेंस जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग के नाम पे आपको अच्छे तरीके से मारा जाता है। थर्ड इंसिडेंट जो हुआ था जब मैं यहाँ पे आया था तो लोग बोलते थे कैश जॉब कर लो। मैंने से कहा चलो भाई ढूंढते हैं, शॉप्स पे जाना, कन्वीनियंस स्टोर पे जो देसी लोगों के होते हैं उनके पास जाना, सबसे पहले वो पूछते हैं कि तुम कौन से वीज़ा पे हो, जब तुमने बोले स्टूडेंट वीज़ा पे हो और तुम्हें बोलेगा कि हाँ तुम्हें 20 घंटे जो है तुम्हें मिनिमम वेज पे दे दूंगा मैं, जो 9.50 थी उस टाइम पे, अभी 11:30 हो चुकी है, और जो बाकी के घंटे हैं तो मेरे पास कैश लगा ले और कैश का तुझे मैं दूंगा 4.5 से 5 pounds पर घंटे का, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे, और वो भी 2 से 3 हफ्ते की तुझे पहले मैं ट्रेनिंग दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि शेल्फें भरनी है सामान की और कस्टमर की बिलिंग करनी है उसमें क्या ट्रेनिंग, चलो हफ्ते की ट्रेनिंग मान ली और वह भी पेड नहीं होगी। उसके बाद जो आपको पे मिलेगी वो मिलेगी 2 हफ्ते की पे वो रोकेगा, 3rd हफ्ते पे ऑनवर्ड्स आपको पर वीक देनी शुरू करेगा। इन शॉर्ट वो 2 हफ्ते का आपका जो सैलरी होगी वो उसको होल्ड पे रखेगा, और तुम्हें अपनी सैलरी लेने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, ये दिक्कत होती है यहाँ पे। फिर भी मैंने वहाँ पे मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा भाई ऐसा, बट जो एक साउथ इंडियन लड़का था मेरी क्लास में मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है अगर तेरे को करना कर ले, बट अपनी पे की बात सब कुछ खोल के रखियो। अब तक वो बंदा वहाँ पे कैश पे उसके पास काम कर रहा है, मेरी बात होती है उससे, और उसको वो 2 दिन के पैसे 3 दिन के पैसे 4 दिन के पैसे ऐसे देता है, वो भी 10 बार मांगने के बाद। पैसा उसका फंसा हुआ है, कंप्लेन वो कर नहीं सकता क्योंकि कैश पे काम करना अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो उस चीज़ का ये बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये हो गया क्या कैश जॉब पे आपको दिक्कत आती है। अभी बात कर लेते हैं, जब भी आप कहीं पे वेयर हाउस में या कहीं पे भी जाते हो काम करने के लिए, वहाँ पे ये लोग जो गलती से कुछ प्रमोट हो जाते हैं सुपरवाइज़र वगैरह या लाइन इंचार्ज वगैरह कुछ भी करके, वहाँ पे ये साले ऐसा करते हैं कि तुम उनके लिए मतलब तो वो बन गए हैं गोरे, पूरे पक्के गोरे इनको बोलते हैं, और तुम साले वही इंडियन आए हो यहाँ पे जो ग़ुलाम थे उस टाइम पे, और तुमसे वैसे बिहेव करते हैं वो बात बात पे। और जो यहाँ के लोकल हैं, लोकल तो खैर कम ही काम करते हैं, जो ये रोमानिया वगैरह से आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे सेटलमेंट पे, उनके उन पर ऐसे बात करेंगे जैसे उनके वो घर के दामाद होते हैं साले। तो ये दिक्कतें हैं कुछ, वीडियो ऑलरेडी बन चुके काफ़ी अच्छी खासी, तो जब भी आप यहाँ पे आते हो फ्री ट्रेनिंग से पचड़े में मत फंसें, अनलेस देसी आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा कुछ मिलेगा तब कर लो, अदरवाइज़ मत करो, क्योंकि इन चीज़ों का कोई रेगुलेटेड कोई मेथड नहीं है कि आप किसी को कंप्लेन कर दो कुछ कर दो, जो कंप्लेन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो यस, ये सिर्फ यूके के लिए नहीं है, आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पे भी जाओ सब जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी जो भी देसी लोग बोलते हैं उनको सबको मिक्स करके, तो वो सब लोग एक्सप्लॉयटेशन दबा के करते हैं आपकी, तो उस चीज़ से बच के रहें और अपना ध्यान रखें, जितना लीगली काम अलाउड है उतना करें और वेट करें। और मास्टर वालों के लिए यार एक सलाह दूंगा, 1 साल ना बड़े आराम से निकल जाता है आपका,
अगर आप मिनिमम वेज पे भी काम करते हो 20-20 घंटे करके भी, हाँ बट थोड़ा आपको चीज़ों में वो करना पड़ेगा जिसको पंजाबी में बोलते हैं सरफा करना, कंजूसी बरतनी पड़ेगी तभी आप कुछ बचा पाओगे। और दूसरी कंट्री भी हैं जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करो जाने के लिए यार, सिर्फ यूके ही नहीं है। क्योंकि हमारा इंडियंस का ये ही होता है कि एजेंट जहाँ पे मैं बोलते हैं वो सिर्फ वो करके चल देते हैं चुपचाप, कनाडा से भी गुजरानी शुरू होती है तो यूके की तरफ भरना शुरू करते हैं। और यूके में इतना बंदा हो गया है एक जॉब एप्लीकेशन के लिए, वो छोटी सी वेयर हाउस की जॉब एप्लीकेशन के लिए 500-500 एप्लीकेशन जाती हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यूके में काम क्यों नहीं है, रीजंस क्या हैं उसके। काम है ऐसा नहीं काम नहीं है, बट बंदा जो है एक ही जगह पे चार चार बंदे वैसा वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अभी तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना। अगर आपको भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस है तो वो बताना कॉमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें, हिम्मत मत हारें, सपने पूरे होते हैं अगर आपने देखे हैं, बट हाँ उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत, डिटर्मिनेशन और बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सब कुछ करने वाले रेडी हैं तो सपने देखें, सच होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। टाइम का कुछ नहीं है यार, अगर आज बुरा टाइम है तो उसको ख़त्म होना ही होना, क्योंकि अगर अच्छा टाइम नहीं रहता हमेशा, टाइम ख़त्म होता है तो बुरे को तो जल्दी होना ही पड़ेगा। तो विद दैट वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।